कर रहे थे क्योंकि कालका में कई जगह ऐसी थी जहां पर जो मतदान था वो काफी स्लो था, काफी धीमा था। अब कुछ नंबर्स भी सामने आए हैं, कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं, वो भी अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। तो देखिए, कालका से लगातार जानकारी हम साझा कर रहे हैं कि कई बूथों पर जो मतदान है वो धीमा है और धीमा मतदान होने की शिकायतें भी अलग अलग जगहों से मिली हैं। बूथों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, लंबी लाइनों में लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगे हुए। बूथ नंबर 66, 43, 67, 54, 60, 90, 117 और 65, 64, 63, 216 ये बूथ के नंबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और कि यहाँ पर जो है मतदान फीसदी जो है वो काफ़ी स्लो है और मतदान प्रक्रिया जो है वो काफ़ी स्लो। हालांकि लोगों में उत्साह है, लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करने के लिए बूथों के बाहर लगे हुए हैं, लंबी कतारों में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो मतदान प्रोसेस है, जो फीस मतदान प्रक्रिया है वो धीमी चल रही है और कई जगहों पर लोग जो मतदाता है वो भी शिकायतें कर रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर कहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया है वो स्लो चल रही है वो हम आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बाकायदा बूथों की संख्या भी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। तो कालका में कई बूथों पर धीमा मतदान हुआ है, बाकायदा इसकी शिकायतें भी अलग अलग बूथों से मिल रही हैं। बूथों के बाहर हालांकि लोगों में कोई उत्साह की कमी नहीं है, लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी आयुष लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आयुष, ओवर टू यू। चलिए मनीषा, तो ये जो तमाम जानकारी है वो लगातार आप पहुंचाते रहिएगा दर्शकों का और लगातार इस पर हम लोग बने भी हुए हैं और ये कोशिश करेंगे कि आपको हम ये बताएं कि किस तरीके से ये जो वोटिंग का परसेंटाइल है वो चल रहा है। विपिन परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनपुट एडिटर। सीधे विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, ये जो जानकारी आई कई बूथों पर जो मतदान है वो काफी कम हो रहा है, क्या इस विषय में अपडेट मिल पा रही है और कारण क्या है इसका? कालका विधानसभा के कई ऐसे बूथ हैं जिनमें की अगर बात करें क्रम संख्या 65, 64, 63, 216, 117, इसके इलायदा अगर बात करें 66, 43, 67, 54, 60, 90, 196, ये तमाम बूथ हैं जहां पर जो वोटिंग परसेंटाइल है लगभग आयुष 3 बजने वाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब इलेक्शन कमीशन की ओर से ही ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की जाती है लेकिन लोग जो है वो बूथ के बाहर खड़े हैं, यानी कि पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, लेकिन जो मतदान चल रहा है वो धीमा है। अब ऐसी परिस्थिति में परसेंटाइल को बढ़ाने को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो ऑब्जर्वर्स को दिए